हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। और जैसे कि ब्रश वगैरह कर लिया मैंने, बाबू आएगी शायद, ये उठने के दूसरे दिन का है। टाइम ही नहीं बीत रहा जब से बाबू हुई है। वेट करती रहती हूँ कि कब आएगी कब आएगी कब मिलेगी। 12 बजे सो गई थी रात को, 1 बजे नहीं टूटा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, फाइनली 5 बजे तो उठ के बैठ ही गई। लगता बस कब आ जाए, कब उसको देखूं। ठीक से निहार भी नहीं पाई, ठीक से देख भी नहीं पाई हूँ कैसी है, कैसी दिखती है, किसके जैसी है, गोद में ले भी नहीं पाई। ये सबसे मतलब खराब चीज़ होता है मदर के लिए, जिसको इतने दिन से पाला, जिसके लिए एक्साइटमेंट थी 9 मंथ्स, जैसे ही हो गई तो उसको ठीक से गोदी में ले भी नहीं पा रही हूँ। गोद में बस जल्दी से रिकवर हो जाऊँ ताकि उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ। उसको जी भर के पहले मुझे देखना है, गले से लगाना है। बहुत सुंदर है मेरी बेटी, मेरे लिए तो बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट, बहुत मासूम। सबसे फर्स्ट चीज़ जो उसको देख के लगता है कि कितनी मासूम, कितनी प्यारी छोटी सी है, अपनी मौसी से भी ज़्यादा। ये सब टाइम कभी नहीं भूलूँगी मैं। रोना नहीं है मुझे, बिल्कुल भी रोना नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी, मेरा तो अच्छा टाइम आ गया अब उसके साथ। बस बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। हालत देखिए मेरी, बाल भी नहीं बनाया, फेस कैसा हो गया। सारी ब्यूटी तो उसने ही ले ली है, मेरी ब्यूटी तो उसने ले ली है। बहुत प्यारी है, कब आएगी, एक एक मिनट काउंट कर रही हूँ मैं। सोना मेरी, उसका नाम क्या रखना है बताइएगा आप लोग, क्या नाम अच्छा लगेगा मेरी परी पे, मेरी लाडो पे क्या नाम अच्छा लगेगा, क्या सूट करेगा। ऐसे तो मेरी वो मन्नत है, सच में मन्नत है, मन्नत है मेरी, तो मन्नत तो रहेगी ही। पर और कोई नाम रखना होगा तो रखेंगे, देखते हैं। ऑपरेशन मेरा था पर बाकी सब थक गए हैं, सब घोड़े बेच के सो रहे हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। और ये ट्रिप चल रहा है कंटिन्यूसली। आज अभी एनेस्थीसिया का और जो मॉर्फिन टैबलेट मिला है, मतलब जो पेन किलर था दवाई मिली थी, उसका असर थोड़ा ख़त्म हो चुका है, तो पेन हो रहा है। पर बोला है कि, बोला गया मुझे कि थोड़ा मूवमेंट करना है, नहीं तो फिर जितना मूवमेंट करूँगी उतना बेटर होगा मेरे लिए, नहीं तो फिर एक ही बार प्रॉब्लम होगा, जल्दी रिकवर नहीं हो पाऊँगी, इसलिए मूवमेंट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि पेन तो थोड़ा हो रहा है, इससे पहले कि पेन सारा पूरा स्टार्ट हो जाए बोलूँगी मैं पेन किलर आज के लिए भी जो भी होता है दे देंगी। और ऑपरेशन तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला यार, जैसे कि मैं आपको बता के गई थी ना कि बातें ज़्यादा दर्दनाक होती हैं, कुछ बातें जो एक दो जन ने बोली थी उनको पता होगा, अगर वीडियो देख रहे होंगे मेरा तो, किसने बोला था वो पता ही होगा शायद। उस बात से ज़्यादा तो मुझे मतलब ऑपरेशन में तो कुछ लगा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, चींटी काटने के बराबर भी नहीं हुआ, कुछ फील ही नहीं हुआ। पर वो बात बहुत चुभी थी, ज़िंदगी भर रहेगी मेरे दिमाग में। वही बोलते हैं ना कि अच्छा वक्त तो आ जाता है, अच्छा वक्त आ जाता है, आपके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आप किसी को प्लीज़ हर्ट करने वाली बातें, नीचे दिखाने वाले बात मत करो, क्योंकि उसका तो अच्छा टाइम आ जाएगा, लेकिन आपने जो बोला, बोला जाता है ना कि बंदूक से निकली हुई गोली या तीर जो होता है, एक बार बाण से तीर निकल गया तो वापस नहीं आएगा, वैसे मुँह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आएंगे, और वो इंसान ज़िंदगी भर ये याद रखेगा। तो दैट इज़ वाई आई विल ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड, दोज वर्ड्स एंड द पर्सन हु हैज़ टोल्ड, हु हैज़ हर्टेड मी।
मेरा तो सही टाइम आ गया भगवान की कृपा से, मेरे मम्मी पापा के अच्छे कर्म से, संस्कार से मम्मी के। पर जिसने बोला था ये याद रखना चाहिए कि भगवान अगर देते हैं तो लेते भी हैं, लेते हैं तो देते भी हैं, सब भगवान के हाथ में होता है। जो भी हुआ मेरे साथ सब भगवान के हाथ में, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है, सब कुछ परफेक्ट हो गया जैसे मैं चाहती थी। और मेरी बेटी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, बहुत मासूम है, मैं बहुत खुश हूँ। उसको देख के मुझे इतनी खुशी लगी, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे। उससे ज़्यादा खुशी लगता नहीं है लाइफ में कभी हो सकती किसी चीज़ में। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं हूँ इनफैक्ट। जब जब उसको देखती हूँ तो लगता है कैसे कोई प्यार नहीं कर सकता है यार इसको, तो किसी और को मैं क्या प्यार करूँगी ज़िंदगी में। मेरी तो प्यार वही है अब, पहले कोई नहीं था, होगा जो नहीं पता, मेरी अब तो वही मेरा प्यार है। मेरी बेटी बहुत क्यूट है, बहुत, आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अपने पापा का चेहरा लेके आई है, लेकिन मोटे मोटे नाक है, लंबे लंबे हाथ पैर, और पता नहीं गोरी कैसे इतनी हो गई है। मतलब हमारे फैमिली में तो इतना कोई फेयर है नहीं, हम लोग फैमिली में सबसे फेयर होगी। बहुत अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है, छोटे छोटे हाथ पैर। मैंने जितना कम वेट समझ रख लिया था उतना कम वेट नहीं है, ठीक है, देखने में पतली सी है, हेल्दी नहीं है ज़्यादा, अच्छी बात है, मेरी जैसी नहीं है, अच्छी बॉडी है उसकी। बहुत वेट कर रही हूँ मैं, कब आएगी शोना मेरी। खराटों की आवाज़ आ रही होगी, सब सो रहे हैं मम्मी लोग। मेरा फेस बहुत स्वेल हो चुका है गाइस, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा मेरे चेहरे को। अब एक दो दिन तो इंसान का ऐसे ही हाल होता है, कहाँ हम इतना स्टाइल करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, एक वक्त होता है, मेरी गुड़िया भी करेगी। लेकिन हर औरत के लाइफ में ये दिन आना बहुत ज़रूरी है, और सबके लाइफ में आता है, और ऐसे ही होता होगा होपफुली। मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, फिर भी यार मैंने बहुत मतलब पेशेंस से काम लिया, कभी भी ओवर रिएक्ट करने की कोशिश नहीं की। हाँ ये तो मम्मी को बोलती रहती हूँ ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, लेकिन किसको बोलूँगी, आखिर ये लोग भी टेंशन लेंगे तो मुझे ही टेंशन और होगा। मैं नहीं चाहती हूँ मम्मी पापा को और भी तकलीफ देना, बहुत किया इन लोग ने मेरे लिए, मतलब बढ़ से बढ़ कर किया, जितना कैपेसिटी नहीं थी उससे बढ़कर किया है, बहुत किया मेरे लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि बिना मतलब मैं इनको टेंशन दूँ। और कल जब ओटी के बाद, लेकिन मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि बाबू तो टचवुड ठीक है, पर मैं मतलब एक तो मतलब जैसे ही कर्टन लगा, मतलब बेबी हो गई, मतलब जो भी ऑपरेशन चल रहा था उसके बीच में कर्टन लगा हुआ था, और मेरी सांस पूरी फूलने लगी थी, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर ऑक्सीजन दिया उन्होंने, ये एक बहुत डेंजरस हुआ। उसके बाद फिर जैसे ही मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जैसे ही मतलब लेके ही जा रहे थे वहाँ से, और उसी बीच में मतलब मुझे फिर वैसे ही सांस का फील होने लगा। लेकिन एक्चुअली में वो क्या था ना, कि एक्चुअली में वो मतलब एसिडिटी था और गैस हो रहा था मुझे, और जो वोमिटिंग हुई मुझे, आई थिंक मेरा ना 10:59 में बाबू हो गई थी, बेबी हो गई थी 10:50, तो 10 बज गया होगा, 11 बजे मुझे शिफ्ट कर दिया होगा, उससे भी पहले 10:30, 2 बजे तक यू कांट बिलीव, मुझे हर 15-20 मिनट्स में ना वॉमिटिंग हुई है, और बीपी मेरा नॉर्मल हो ही नहीं रहा था, लास्ट में जाके नॉर्मल हुआ, कितनी मेडिसिन दी गई, इंजेक्शन दिए गए, तब जाके मतलब नॉर्मल हुआ। मेरे साथ वाले जो थे, मेरे पहले वाले थे, उनको आईसीयू से शिफ्ट कर दिया था वार्ड में, पर मुझे नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरा नॉर्मल ही नहीं हो रहा था। बट गाइज ये सब लिटरली कुछ भी इफेक्ट नहीं किया मुझे घंटा फर्क ही नहीं पड़ा। बाबू को देख के मैं सब कुछ भूल गई, और वो जो लोग हैं ना उनकी बातें एकदम याद रह गई। कहते लोग कि किसने बोला, क्या बोला, कब बोला हमने,
ऐसे तो नहीं बोला, सब याद है मुझे किसने क्या बोला, और किसी ने नहीं बोला, एक दो जन ने बोला। मुझे याद है अच्छे से, पलटने से नहीं होगा। आज जब सही चीज हो गया, भगवान ने मुझे इतने मतलब बड़े चीज से ये किया है, गिफ्ट दिया है मुझे, तब बोल रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कब बोला, किसने बोला। उस टाइम पे काश ये बात सोच लेते कि एक दिन भगवान इसके साथ भी अच्छा कर ही देंगे, काश ये मन्नत मांगते, ये दुआ करते मेरे लिए, पर नहीं, कोसना था। कोई बात नहीं, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया। लवली मेरी सिस्टर, वो तो एक एक मिनट में मेरे साथ रही, हर एक चीज़ में। और उसकी फ्रेंड आ गई है, अब मौसी थोड़ी है, वो तो फ्रेंड रहेगी, फ्रेंड उसकी, दोनों की टीम बन जाएगी, दोनों खेलेंगे साथ में। ये देखने के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सबसे ज़्यादा वही खुश है। फ्रॉक लेगी, ये करेगी, वो करेगी, बेटी होने से वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसको हमेशा से मतलब लड़की चाहिए थी, अकेले अकेले रहती थी ना, मतलब अब बड़ी हो गई थी ना, तो कहने का मतलब ये है कि अब उसको पार्टनर मिल गई घर में, बहुत मज़ा आएगा गाइस। कब लेके जाऊंगी बापू को, बोलो, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी ठीक हो जाओ, फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक हो जाओ, ताकि उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ और मतलब इन्जॉय कर सकूँ, अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट कर सकूँ। वही सोचती हूँ, इसलिए सोचती हूँ जल्दी ठीक हो जाओ। बाकी सब ठीक है, कितना भी दर्द मिले मैं सह लूँगी, बस मेरे बाबू को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दर्द नहीं होना चाहिए। सारे दर्द मैं हंसते हंसते सहने के लिए रेडी हूँ। ऐसी शक्ल लेके आपसे बात कर ले, क्या करूँ, किस मुँह ना बंद ही नहीं हो रहा है, जब से उठी हुआ है ना, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है। नींद भी आती है पर सोती भी नहीं हूँ, और बोलती रहती हूँ, बहुत कुछ बोलने का मन करता है, किसको बोलो किसको बोलो। मम्मी को, सिस्टर को तो बोल बोल के पका दिया तो आप लोगों से ही बात कर रहे हो, अकेले में ही कर रही हूँ, क्योंकि क्या करूँ, सुबह से मम्मी भी बहुत थक गई है तो रेस्ट ले रही हूँ, इसलिए मैं डिस्टर्ब भी नहीं कर रही हूँ। सुबह से 5 बजे से अब 7 बजने वाले हैं बस वही है, मेरा ब्रेकफास्ट भी आया है, शायद सूप वगैरह, हाँ, और सॉलिड मुझे देने, सॉलिड नहीं लिक्विड, मतलब स्टार्ट कर दिया। कल ही तो था मेरा ओटी, तो आते के साथ थोड़ा बहुत तो पानी दिया, उसके बाद रात को सूप दे दिया मुझे, और अभी आज देखते हैं क्या क्या होता है। इच्छा तो थी खाने की, लेकिन उतनी भी इच्छा नहीं यार, मतलब जब से डिलीवरी के 2-4 दिन पहले से ना सब खाने पीने की इच्छा चली गई, अभी भी नहीं, बस लगता है कि यार, तब तक लगता था बाबू बस अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, कब मैं देखूं, कब मैं बोलूं, मेरे साथ क्या होगा ये सब। और जब से हो गई है ना, तभी भी सिर्फ उसका ही ध्यान रहता है, और लगता है मैं कब से जल्दी से ठीक हो जाऊंगी उसके साथ टाइम स्पेंड। खाना पीना और चीज़ कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उसके आगे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। बस आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना प्लीज़ मेरी बेटी के लिए, बहुत प्यारी है यार, लड़कियां बहुत प्यारी होती है, प्लीज़ लड़कियों को अच्छे से ट्रीट किया करो, टुकड़ा होती है दिल का, प्लीज़ 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 गाइस। आप भी अपने मतलब बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, बहनों के साथ, सिस्टर के साथ, बेटियों के साथ अच्छा बिहेव करो प्लीज़, बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत मासूम है, उसको मतलब एक थोड़ा सा भी नहीं कुछ होना चाहिए, आज नहीं आने दूंगी मैं उसके ऊपर कभी भी, जो भी होगा मैं करूंगी, मैं अकेली सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। लगता है कि अभी अभी ठीक हो जाऊँ, अभी अभी ही ठीक हो जाऊँ, और अभी उसके लिए क्या कर दूँ, ऐसा लगता है मुझे। और रोना नहीं है, मुझे चक्कर आता है, बेबी के साथ अच्छे अच्छे फोटोज लूंगी आज। कब आएगी, वेट कर रही हूँ, आजा जल्दी मेरी लाडो रानी,
मेरी लाडो रानी आ जा जल्दी सोती है, रहती है अभी सोती है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाबू को दिखाऊंगी, होप फॉर द बेस्ट। घर से भी शायद सब आएंगे। आज तो मुझे वॉक करने बोला है, उठना है खुद से। एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो चुका है, मॉर्फिन का भी ख़त्म हो चुका है, और जो ये वॉशरूम के लिए पाइप लगी है वो भी निकल जाएगी। वॉशरूम भी खुद से चल के जाना पड़ेगा, तो हिम्मत जुटानी है। पता है मुझे ओटी में डर नहीं लगता था, ये सब ज़्यादा मुझे दर्दनाक लगता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इतना भी नहीं है। इतनी बड़ी खुशी के लिए ये सब तो है क्या है। मैं तो ओटी में सोच रही थी ये क्या है, ये क्या दर्द है। एक सुई इंजेक्शन से डरती थी, पता है मैं एक इंजेक्शन से डरती थी, ब्लड टेस्ट से डरती थी। कितनी भी मतलब मुसीबत आ जाए, बुखार हो जाए, कभी टाइफाइड हो गया था एक बार बचपन में, है ना, तो बहुत डरती थी कुछ भी हो जाए, इंजेक्शन के नाम से, ब्लड टेस्ट के नाम से, बाप रे। और आज वही लड़की इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई है, मैं खुद के बारे में सोचती हूँ। कुछ भी मतलब ये सब जो कर रहे थे ना, पेट चीर रहे थे, इतना सा ही, बस इतना सा ही, इतनी बड़ी खुशी के लिए इतना सा, बस इतना सा करना पड़ेगा बोझ, तो मेरे बाबू आ जाएगी, मेरी बाबू मिल जाएगी मुझे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और ये सब मुझे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी दर्द सहने के लिए मैं तैयार थी अपने बाबू के लिए। यार आजकल लोग कितना तरसते बेबी के लिए, बेबी अपना जान अपने अंदर से एक इंसान को जन्म देना बनाना कोई छोटी मोटी रचना नहीं है, भगवान की बहुत बड़ी रचना है, बहुत बड़ी रचना है ये। उसको प्लीज़ प्यार से रखिए, स्पेशली लड़कियों को, यार बहुत प्यार डिजर्व करती है लड़कियाँ। अभी तो उसका शक्ल देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो उसको कभी ज़िंदगी में डांट ही नहीं पाऊँगी, कुछ बोल ही नहीं पाऊँगी उसे तो। कैसे स्ट्रिक्ट बनूँगी मैं, हमेशा प्यार ही करते रहूँगी ऐसा लगता है मेरी शो में। कब चलने सीखेगी, कब बोलने सीखेगी। सब इंतजार है मुझे। अपने पापा जैसी दिखती है लेकिन ज्यादा, नाक तो उनपे ही गई है बिल्कुल। अभी तो मेरी नाक फूल गई है, छोटी छोटी नाक है मेरे, लेकिन उसके पापा की बड़ी नाक है, पर उस पर बहुत सूट कर रहा है नाक। और ये जो पोर्शन है लिप्स का, वो पापा पे गया। आँख थोड़ा मेरे जैसा है और फेस भी गोल है मेरे जैसा, बॉडी पापा पे गई है, और गोरी पता नहीं कैसे हो गई इतनी। नज़र ना लगे बस। सबसे पहले नुआ की नज़र लगती है, मैं तो इतना बार बोल चुकी हूँ ना कि मेरी गुड़िया इतनी प्यारी, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी गोरी, कितनी क्यूट है, ये सब बोल बोल के यार दिन भर वही बोल रही हूँ। पता नहीं इसकी तबीयत भगवान ठीक रखे, अब नहीं बोलूँगी, बहुत बोलिए, अब बस उसको अच्छे से प्यार से रखूँ, घर ले जाऊँ तब बोलूँगी। और गाइस ये पता नहीं कब वीडियो जाएगी लाइव, आज 7 जून है, 7 जून है 2024। तो अभी एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पे, बाद में आगे क्या होता है आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलिए।